आवाज आ रही है ना? हेलो, यस यस मैम। ठीक, थोड़ा मैम क्या बोल लाउड आवाज आ रही थी ना। रही लास्ट में क्या कर रहे थे हम लोग? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर रहे थे, उससे क्वेश्चंस बनाए हो सब? है? यस मैम यस मैम, बनाए हैं। तो फिर कुछ पूछना भी है उससे? कुछ पूछना है तो बताओ। ना मैं लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, जब बनाने बैठते हैं ना तो लैंग्वेज नहीं समझ में आता तो बनता ही नहीं है। लैंग्वेज देखो, सीक्वेंशली कुछ कुछ टर्म है जो कॉमन आता है, एक ही लैंग्वेज बार बार रिपीट करता है। जैसे इंक्रीज बाय समथिंग, डिक्रीज बाय समथिंग, तो ये चीज कितना है? इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज बाय समथिंग जो नंबर होगा वो उतने से इंक्रीज कर रहा है, उतने से डिक्रीज कर रहा है। सपोज कहीं लिखा है इंक्रीज बाय 4, सो इंक्रीज बाय 4 मतलब जो भी नंबर होगा वो इंक्रीज कर रहा है कितना? 4 से। तो उसमें जो भी नंबर है उसको प्लस 4 कर दो। डिक्रीज बाय समथिंग कर रहा है तो ये टर्म आ गया कि उसी नंबर से डिक्रीज। मल्टीपल है तो एक्स इंटू समथिंग जो भी है, मल्टीपल ट्वाइस थर्ड थ्राइस ऐसा कुछ लिख रहा है तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे ना तो उतना मुश्किल नहीं है। लैंग्वेज उतना मुश्किल नहीं, लैंग्वेज होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आप एक स्टेटमेंट एक बार में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उस स्टेटमेंट का इक्वेशन लिखिए, बाकी टर्म भूल जाइए। सिर्फ सिर्फ उस और स्टेटमेंट का। जैसे कोई एक क्वेश्चन बताओ जिसका लैंग्वेज मुश्किल लग रहा है। मैम हाँ एक बोलो। क्वेश्चन, 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द एक मिनट रुको, सेकेंड हम पार्ट। क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर बोलो। ऐसे बोलोगे तो सबको पता नहीं चलेगा ना। एक मिनट ओके रुको। मैम, क्वेश्चन शेयर कर दे रहे, आप जो भी क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है। बोलो क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? मैं इसे नहीं बनाई हूँ, क्लियर अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन फिर कर रही हूँ बोलो ही। ठीक है बोलो। तो फिर मैम। क्वेश्चन था 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स का कुछ इक्वलिटी भी दिया है कंडीशन। एक सच मिनट। दैट हाँ सच दैट। 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स, एक मिनट, नोट कर लीजिए आप। प्रोजेक्टर ऑन कर लो तो तुमको फिर दिक्कत होगी। और उसको जरा लगा दो, ज्वाइन कर लिया है। ठीक, सबसे पहले का इंस्ट्रक्शन है जो भी 24 है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। टू पार्ट है ना? यस ठीक है, तो टू पार्ट है तो टू पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, बट इक्वल है या नहीं है ये नहीं पता। ठीक है चलो आगे। आपके डैड है सच डैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कुछ होगा, मान लिया एक्स है फर्स्ट पार्ट। 7 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट, 7 x। चलिए आगे बोलिए। एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 24 - x हो जाएगा, तो 5 टाइम्स क्या है? x - 24। ये लिख सकते हैं या नहीं, बस मुझे इतना बताओ। पहले पहला पार्ट, 24 को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट है ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो हम पहला पार्ट एक्स को मान लेते हैं और दूसरा पार्ट जो भी होगा दैट इज श्योरली 24 - x होगा, बिकॉज दोनों को जब आप सम अप करोगे तो आंसर 24 आ जाएगा। तो अब आपने इसमें कहा कि फर्स्ट पार्ट जो है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7x + 5 x - 24 ये लिख सकते हैं। और इक्वल टू वही है पार्ट मेक्स 146 इक्वल टू 146। दिस इज इक्वल टू 146। ठीक है, सो यहाँ पे यस अब आपको निकालना क्या है? तनु, फर्स्ट पार्ट निकालना। दैट मीन्स एक्स निकालना है। तो यहाँ से बस एक्स का वैल्यू निकाल दो। यहाँ से 7x है, ये 5x है, 7 + 5x क्या होगा बताओ? 12x। नीतीश, हाँ, सो 12x, 5 x 24,
बताओ -24 है यहाँ, 200, ठीक है 220 होगा, 220 हो जाएगा, ठीक 120 मैम, 120 120 होगा ना, सो 120 एंड 146 इधर आपका पहले से था और ये इधर जो आपके पास आने वाला था वो माइनस आएगा, -120, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये बताओ, सो अब यहाँ 146 माइनस ये करो क्या आ जाएगा, 26, 26, सो 12x इज इक्वल टू 26, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/7 होगा 13 पर समथिंग आएगा, क्योंकि मल्टीपल तो है नहीं, तो x इज इक्वल टू 26/12 जो आया वो वैल्यू है 13.13/6 लिख लूं, और या फिर इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो और भी कुछ आ जाएगा, 2 point something आएगा, हाँ ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, एक्स यही था। अगर इसमें अब मुश्किल अभी भी लग रहा है कुछ, तो एक काम ये भी कर सकते हो, ये वैल्यू आप एक ले लो, एक नंबर एक्स ले लो, दूसरा एक्स -24 कर लो, ये मल्टीपल करके देख लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, वैसे करेगा ही क्योंकि इसी इक्वेशन से हम लोग ये आंसर लाए हैं, तो मैम आंसर यहाँ पे अप्रोक्स करके दिया गया है ना, 30, हाँ तो अप्रोक्स था, तो अप्रोक्स 2 point something आएगा, तो अप्रोक्स 2 बोल सकती है, इसको आंसर 2 point something आएगा, तो 2.10 आ जाएगा, 2.1 आएगा, और आपके पास क्या बचता है, 4 0, 13 दिया गया, 13, हाँ तो 2.10, 13 13, यस मैम 13 आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या यही बोल रही हो ना, फिर से बोलो तो एक बार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपने इंस्ट्रक्शन बताया वो तो यही है, 24 को 2 part में डिवाइड करना है, ये भी मेंशन किया ही हुआ है, क्वेश्चन पहला है ना कि 24 टू पार्ट्स में डिवाइड है, और एक पार्ट 7 times, द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 times, हाँ, और तो सेकंड पार्ट, उसके बाद द सेकंड पार्ट मेक्स 146, सेकंड पार्ट जो ये पूरा सेंटेंस है ना, फर्स्ट 7 times ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस 5 times ऑफ द सेकंड पार्ट मैक्स 146, यही है ना, हाँ यही सेंटेंस, हाँ तब तो यही होना चाहिए, या फिर इसको तुम ऐसे करके बना सकती हो, सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए इसको आप एक्स यहाँ पे चेंज कर दीजिए, इस टर्म को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तो एक्स -24 करके निकालना पड़ेगा, तो मैम यहाँ पे ये ना वन जो वन थी आपकी वो प्लस में हो जाएगा ना उधर जाकर, ये माइनस यहाँ पे, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये राइट, इसीलिए वो हो गया, हाँ ये माइनस था ना इधर पे, तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, सो 146 इसको ऐड कर दो, 166 हो जाएगा ना, यहाँ से फिर 166 डिवाइडेड बाय 266 को डिवाइड कर लो 13 से, तो जो आएगा आंसर होगा वही आएगा, 2 point something आ रहा है, तो 22 आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ तो ये 13 2s आ रहा है ना, 13 2s आ रहा है, 12 मैम 12 से डिवाइड में, ओके सॉरी सॉरी, हाँ अच्छा क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, 22.6 12, हाँ तो 12 से करोगे तो फिर भी तो वही आ रहा है, 2 point something आ रहा है, हाँ 13 तो अभी भी नहीं आएगा, 22 point something आ रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहे क्वेश्चन, सारा नंबर देख लो यही है ना, तो फिर तो यही होगा, इक्वेशन तो पूरा सही है, सेंटेंस तो यही बताया गया, सेंटेंस यही है तो फिर आंसर यही होगा, ऑप्शन देखो फिर, यहाँ पे आप x -24 के 24 -6 मैम 7x -5x होगा ना, 5 होगा ना, 24 -6 करके देख अलग आ जाता, अच्छा x -24 ना, तो वहाँ पे 24 -6 करके देख लीजिए आंसर आ, 7x minus 5, x plus 24 करेगा तो आएगा मैम,
एक्स प्लस 24 नहीं होगा, ये कह सकते हो 7x प्लस 5x तो होगा फाइव ही, एक्स और यहाँ पे इंटू x माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फोर माइनस से एक्स 24 माइनस x कर लो, इस नंबर से x को घटा लो, ठीक है, तो अब आ फिर जाओ। आपका आ जाएगा 146, ये है। तो 7x माइनस प्लस ट्वेल्व 24 यहाँ पे माइनस ही होगा फिर उधर जाके, तो ठीक है वही तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट माइनस वाला जो उधर हम कर रहे थे वो वही आएगा ना, देखो 146 माइनस 24 इंटू 5 120 आ जाएगा, तो इधर आपका क्या बचा 26, 26, और इधर आपका माइनस कर लोगे एक्स तो टू सिक्स एक्स एक्स, हाँ टू, हाँ टू एक्स इधर इज टू इक्वल एक्स टू आ आपके जाएगा, पास, इधर आप हाँ 2x इज इक्वल टू 26 आ गया, टू थर्टीन आ एक्स इज इक्वल जाएगा। टू 13 हो गया, 26 और ये 2x, तो एक्स इज इक्वल टू 13। चलो ठीक है, और बताओ। एक क्वेश्चन और है मैम। बोलो। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 190, सो अ नंबर एक्स डिवाइडेड बाय वो 19 19, ठीक है, वन वन नाइन मैम 119 119 मतलब 199 या फिर 119, ये बताओ। 119 119, ठीक है, आगे हो गया। उसके बाद गिव्स 90 एज रिमाइंडर, गिव्स रिमाइंडर में 90 वन एज रिमाइंडर, वन नाइन देता है। ठीक है, जब इसको हम यस मैम। डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर है, 19, यस मैम 19। ठीक है, चलो हम यहाँ पे 19 लिखते हैं जो कि रिमाइंडर है। चलो आगे बताओ। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, ओनली 7 ना, ठीक है, एक्स को डिवाइड किया गया हाँ है 17 से, व्हाट देन विल बी द रिमाइंडर, उसको व्हाट डिवाइड विल बी द कर लो। रिमाइंडर। अब देखो ये 190 से जब डिवाइड किया गया है एक्स, तो रिमाइंडर 19 आ रहा है, तो जब हाँ इसको आप डिवाइड 119, 17 का टेबल में 199 आता है, 119 आता है ना, 119 हाँ आता है। आता है, तो ये यस पूरा मैम। नंबर इससे कैंसिल होने वाला है, और ये 19 में एक बार और डिवाइड कर लोगी तो बचा गया 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ओके क्योंकि ये जो भी नंबर है वो 17 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर डिविजिबल होगा एक्स, क्योंकि ये इसको क्रॉस कट कर रहा है ना, अब बचा यहाँ पे 19 रिमाइंडर है, तो जो भी नंबर है 17 से 19 को डिवाइड करोगी तो वन कंप्लीट डिविजन तो आ रहा है, तो बच कितना रहा है 2, तो 2 होगा दो वो रिमाइंडर होगा, बस इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको चेक करना है डिविजिबल है या नहीं, और डिविजिबल है तो कितने टाइम्स डिविजिबल है, ठीक है। चलो और बताओ। और कुछ पूछना है? नो चलो अब क्वेश्चन हम लोग देखे, पहले वाला क्या था, लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सब बताइए जरा मुझे, जो कुछ क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है वो क्वेश्चन बोलो, लैंग्वेज उसका समझना है, ठीक है, जैसे बताइए कुछ पढ़ा हुआ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है। मैम। देखो तो क्वेश्चन नंबर 24 नीतीश पढ़ो तो, इफ टू इंटू 1/2 इज एडेड टू अ नंबर एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, देखो क्या है ये नंबर ऐड करना है टू अ नंबर, एनी नंबर को क्या रिप्रेजेंट करते हो, एक्स कंसिडर कर एक्स सकते हैं, मैम, सो एक्स एक्स में मैम, ऐड किया जा रहा है 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 को 2 2 4, और 5/2 भी लिख सकते हो, तो एक्स प्लस 5/2 हो गया, उसके बाद लिखा है एंड द सम, मतलब इन दोनों को जो आप जोड़ के नंबर लिखे हैं एक्स प्लस 5/2 वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाय दिस, मतलब 4 इंटू 1/2 से,
तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये टर्म प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, क्योंकि सम को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स प्लस फाइव बाई टू इंटू नाइन बाई टू लिख सकते हो इसको, फोर इंटू वन बाई टू को, ये इतना सेट आ गया। उसके बाद बोल रहा है एंड थ्री इज एडेड टू द प्रोडक्ट। तो पहले क्या बोल रहा था, आप एक नंबर ले रहे हैं एक्स, उसमें एड कर रहे हैं फाइव बाई टू, इस सम को, मतलब ये जो रिजल्ट आया है, इस सम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नाइन बाई टू से, जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है वो। तो इस सम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नाइन बाई टू से, इसमें एड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में, ये अब क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया इस नंबर और इस नंबर का, इस प्रोडक्ट में थ्री से थ्री को एड कर रहे हैं। देखो यही चीज लिखा है, यस मैम, दिस टर्म इज एडेड टू अ नंबर, द सम इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड थ्री इज एडेड टू द प्रोडक्ट। उसके बाद है देन डिवाइडिंग द सम। अब ये देन डिवाइडिंग बाय सम क्यों बोल रहा है, क्योंकि अब ये दो नंबर बन चुका है, ये एक नंबर, एक सिंगल नंबर एज अ कंसिडर किया जाएगा और एक सिंगल नंबर है, इन दोनों के एडिशन को आप डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर, और फिर से बता रहा है क्या नंबर है, देख लो, डिवाइडेड बाई वन इंटू वन बाई फाइव, मतलब सिक्स बाई फाइव, सिक्स जो कोसेंट है वो 25 आ रहा है, मतलब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं सिक्स बाई फाइव से, हाँ तो ये सिक्स बाई फाइव से जब डिवाइड हो रहा है, then that is equal to 25. ये equation बन गया। तो what is that number? मतलब x निकालना है। तो यहाँ division में है, ये उधर जाएगा तो आराम से multiply होगा, मतलब ये यहाँ से हटाओगे तो inverse नहीं होगा। This is 6 into 5, 6 by। class कब तक हो गया क्या लगा? अभी शुरू ही है, 10 बजे तक है ना? चलो ठीक है, नितीश हो जाएगा ना, ये यहाँ पे डिवीजन में है तो ये चीज ध्यान रखना, डिवीजन में है तो इधर भेजना, तो उसको एज इट इज ही रखना, इनवर्स जो करते थे वो मत करना, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उधर जाके इनवर्स हो जाता है, लेकिन अगर डिवीजन में है तो ये एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ बेसिक रूल है जो फॉलो करना जरूरी है, बाकी ऐसे छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, बनाए कहाँ तक थे हम लोग, कुछ याद है? एक ये क्वेश्चन देखिए, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम लोग क्वेश्चंस नहीं बनाए थे सर, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, ये बनाया था यहाँ तक? कंसेक्यूटिव नंबर का क्वेश्चन बनाया था? बनाया था। तो फिर ठीक ही है, तो हम लोग, हाँ चलो ठीक है, ये देखो जरा, थोड़ा इंटरचेंज करने वाला और थोड़ा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए तो जरा, इफ टू डिजिट नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज फोर टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस, द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द नंबर? देखो तो जरा इसमें क्या करना है, टू डिजिट नंबर है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज फोर टाइम द डिजिट इन 10 प्लेस, द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, ठीक है, व्हाट इज द नंबर?
क्योंकि जो भी डिजिट है वो एक्स वाई है. मान लीजिए अगर आपके पास 10 दो डिजिट का नंबर है तो क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा. ठीक है, जो भी टेंस के प्लेस पे है वो एक्स है और वंस के प्लेस पे वाई है. सो 10 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या हम? मैम उसका आंसर क्या आ रहा था? उसका आंसर एक मिनट तो देखा है, क्या कौन सा क्वेश्चन था? 24 मैम, क्वेश्चन नंबर 24 इज 4 इंटू 1 बाई 2 है सर, 3 into 7 by 2, 3 into 1 by 2. Okay, ma'am. ठीक है. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है. जब टू डिजिट नंबर हो और आपको इंटरचेंज करने बोला जाए, सिंपलीफाई करने बोला जाए तो कैसे करोगे? सो टू डिजिट नंबर, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस. अब यहाँ पे देखो डिजिट जो भी होगा, टू डिजिट नंबर है तो पहला नंबर जो भी होता है ये x जो होगा वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा. मान लो सपोज एक एग्जांपल हम ले ले 76, तो 76 का मतलब क्या हुआ, 7 into 10 plus 6, ये 76 हो जाएगा. बताइए, तो जो नंबर यूनिट प्लेस पे है वो 6 है, पर टेंस के प्लेस पे जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ये ध्यान में रखना है. और उसके बाद y जो भी है वो आपका यूनिट प्लेस है, मतलब y का वैल्यू एज इट इज. यहाँ दोनों पे प्लस साइन लिख सकते हैं. इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे 76 को हम लिख सकते हैं, 7 into 10 plus 6 that is equal to 76. इसी तरह अगर x और y है तो इसको लिख सकते हैं 10x plus y. जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, दैट इज एक्स वाई. बोलो ये चीज समझ आ गया? बताओ ये क्लियर है? क्वेश्चन रुको, पहले इस चीज को समझो. ये एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे पहले ये बताइए, एक्स वाई कोई नंबर है, टू डिजिट नंबर है, जैसे एक एग्जांपल 76 ले ले, तो जो हमें उसको लिखेंगे इसका वैल्यू होता है 7, जो भी नंबर होगा जो टेंस के प्लेस पे होगा उसको इंटू 10 कर लेंगे, 7 इंटू 10 दैट इज 70 प्लस 6, 76 हो जाएगा. तो जो नंबर है वो आता है, इस नंबर को ब्रेक करके लिख रहे हैं. पहला नंबर 10 का मल्टीपल होगा जो भी टेंस के प्लेस पे होगा, और सेकंड नंबर जो यूनिट के प्लेस पे होगा वो एज इट इज इंटू 1 कर सकते हो या फिर वही नंबर हो जाएगा. तो इस तरह से हम टू डिजिट नंबर को ब्रेक करके लिख सकते हैं जो कि एक्स वाई होगा. और इसका यही एक एग्जाम्पल है, ये चीज दिमाग में रख लीजिए, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो. तो ये ऐसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है. तो जब भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप इसको पहले ऐसे ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद आगे फर्दर आपको जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है वो इसके बाद होगा. अब क्वेश्चन पे आओ, क्या है, टू डिजिट नंबर है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस. सो जो भी डिजिट यूनिट प्लेस पे है दैट इज 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ द टेंस प्लेस. मतलब अगर यूनिट प्लेस पे x है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स, मतलब टेंस के प्लेस पे अगर x है तो यूनिट के प्लेस पे 4x हो जाएगा. द सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 है. सो नंबर क्या होगा बताओ, क्या होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, इसी चीज को बस इंस्ट्रक्शन जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको देख रहे हैं. तो टेंस के प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसका 4 टाइम्स है यूनिट के प्लेस पे. तो टेंस के प्लेस पे मान लो x है, ठीक है, अगर ये x है तो यूनिट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4x. और इन दोनों डिजिट को जब आप एड कर रहे हो तो दैट इज 10. सो यहाँ पे आपको तो देख ही गया 4x plus x 5x, so 5x is equal to 10. So x is equal to 2 हो जाएगा. So x का वैल्यू 2 है. इस 2 वैल्यू को आप इस पे पुट कर लीजिए. 24 का 4 into 1 by 2 आ रहा है मेरा आंसर. 4 into 1 by 2 आ रहा है. यस मैम,
ठीक है। पहले इस चीज को देख लो ना, फिर उसको बताते हैं। ठीक है, वो बस सिंप्लीफिकेशन है। ये देखिए तो जरा बताओ पहले, ये क्लियर है कि नहीं? रितेश देखो जरा। मैम इसका क्वेश्चन फिर से थोड़ा दिखाइएगा। द यूनिट, देयर आर टू डिजिट नंबर, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज फोर टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस, द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द नंबर? देखो तो क्या होगा। बताओ नीतीश, है क्लियर? ठीक है, पहला नंबर x है, दूसरा 4x है, 10 है, x का वैल्यू 2 मिल गया। अब x का वैल्यू 2 है तो उसका जस्ट 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? सपोज x के वैल्यू पे 2 होगा और जो 4 टाइम्स है तो 2 8 हो जाएगा, मतलब 28 आ जाएगा। सम करोगे तो 80, आपका 10 आ ही जा रहा है, 8 प्लस 2 10, और ये जो रिजल्ट होगा वो 28 हो जाएगा, 20 प्लस 8। So, शायद ये ऑप्शन है या नहीं चेक कर लो। ऑप्शन 82 है, 28 नहीं है, सो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है या नहीं? देखो एक बार फिर से देख लो, टू डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स, मतलब टेंस के प्लेस में स्मॉल नंबर है, यूनिट डिजिट के नंबर पे उसका 4 टाइम्स जो भी होगा, सपोज 2 था तो 2 इंटू एक्स 4 8 हो गया। द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द नंबर? सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे तो ये ऑप्शन देख भी नहीं सकते हो, 1 4 है इसका सम ऑफ डिजिट, 10 नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। 4 1 ये भी वही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 82 का भी तो आ रहा है, 82 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, क्वेश्चन में ही हिंट दिया है, जो नंबर है द डिजिट एट द यूनिट प्लेस जो है वो 4 टाइम्स है, यूनिट एट द टेंस प्लेस। तो यहाँ पे देखो, 10 इसके हिसाब से यूनिट प्लेस पे जो नंबर होना चाहिए वो स्मॉल नंबर होना चाहिए, यही है ना? द यूनिट प्लेस नंबर इज 4 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस पे जो होगा वो नंबर ज्यादा होगा, और टेंस के प्लेस पे जो नंबर होगा वो कम होगा। 2 8 होता तो ये हो जाता, बट 82 है तो वो नहीं है। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो इस सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड किया जा सकता था सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही, क्योंकि ये नहीं होने वाला, ये भी तो होने ही नहीं वाला, डेटा इन एडिक्वेट तो है नहीं। 82 करोगे तो आपको दिख जा रहा है जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो स्मॉल है एट द है ना, जो रेट इसका देखेंगे, जो कंपैरिजन करोगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है दैट इज लेस एज कंपेयर टू टेंस प्लेस, तो ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ना जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये जो रिजल्ट होगा वो करके देखना पड़ेगा फिर, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। डेटा इनएडिक्वेट है नहीं, सो बच्चा क्या, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ 2, सॉरी 2 डिजिट नंबर है, नंबर ऑफ 2 डिजिट हैज 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें भी दे दिया है ऑप्शन कि 3 एज अ यूनिट डिजिट, टेंस के प्लेस पे क्या है वो हमें नहीं पता, बट यूनिट के प्लेस पे 3 है। द सम ऑफ डिजिट मतलब आप नंबर जब ऐड करेंगे, x प्लस y वाला जो टर्म ऐड करेंगे, तो वो जो होगा दैट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, सो नंबर क्या होगा? इसका इक्वेशन फ्रेम करो तो जरा,
द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं पहले वो ले लें। तो अगर एक्स वाई नंबर है तो 10x प्लस वाई जो होगा ये नंबर, हम नंबर को हमेशा इसी वे में ब्रेक करके लिखेंगे। तो 10x, और इसमें भी दिया हुआ है, अगर नंबर देखें तो आपके पास 10 एज इट इज छोड़ दीजिए, x एज इट इज छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन का सेकंड लाइन में इंफॉर्मेशन है कि दो डिजिट है, दैट इज एक्स वाई जो डिजिट है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ते हो, मतलब x प्लस वाई, वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, सो x प्लस 3 जब आप जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 1/7 टाइम ऑफ द नंबर, मतलब 10x प्लस 3। बताओ ये समझ आया क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं? दोनों डिजिट को जब आपस में आप जोड़ रहे हैं तो वो जो हो रहा है, जो ओरिजिनल नंबर है जो कि ये है, उसका 1/7 रह जा रहा है, ठीक है, इसका 1/7 रह जा रहा है। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, सो x का वैल्यू निकालोगे तो डिजिट आ जाएगा। एक मिनट फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, अगर डाउट है तो। द नंबर इज, मतलब आपको नंबर ही निकालना है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। नीतीश देखो इसको क्या है, होगा ये इक्वेशन? चलो बताइए क्या है। तो संभव है नहीं, उसको क्या करते हैं, 70 × 7 × 10 ये लिखते हो ना, प्लस 6 लिखते हो। तो यही नंबर है हमारे पास, जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर इज x, 10x लिख सकते हैं, सपोज यहाँ 7 था तो 7x लिखे थे, 7 × 10 लिखे थे, प्लस वाई, ठीक है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 3, तो 10x प्लस 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 नंबर है, तो y का जो वैल्यू है दैट इज 3। टेंस प्लेस पे क्या नंबर है ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, सो x प्लस 3। अब इसके बाद क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या हुआ, जिस दो डिजिट से वो नंबर बना है उन दोनों को जोड़ दो, जब उन दोनों को जोड़ रहे हो तो वो आ रहा है उस नंबर का जो एक्चुअल नंबर था उसका 1/7। तो एक्चुअल नंबर क्या था, 10x प्लस 3, सो एक्चुअल नंबर ये है और इसका 1/7 है जब आप दोनों नंबर के डिजिट को जोड़ रहे हैं x और y को। सो x प्लस y इज इक्वल टू 1/7 ऑफ 10x प्लस 3। यहाँ से अब x का वैल्यू निकालो। हाँ बोलो मैम, फिर इक्वेशन गड़बड़ा जा रहा है, ऐसे 33 आ रहा है, 33 नहीं आएगा, ये ऑप्शन ऐसे 7x प्लस 21 हो जा रहा है, या 10x 3x माइनस 18 आ जा रहा है, x का वैल्यू 18 आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 18 होगा ना मैम? हाँ ठीक है, x का वैल्यू 6 है, ठीक है, तो x का वैल्यू 6 है, तो नंबर जो होगा 6 × 10 60 प्लस 3 मैम 63 हो जाएगा, यस मैम, ठीक है। 7 × x यहाँ से करोगे तो ये 7x हो गया और ये 21 हो गया, ठीक है, 7x प्लस 21। आपको चाहिए क्या x का वैल्यू, x का वैल्यू 63 आ रहा है मैम। हाँ तो वही है, 10x हो गया प्लस यहाँ पे करोगे तो ये तो 3 ही रहेगा, 6 आ जाएगा, 7x 3x is equal to 18, so x is equal to 3, sorry 6, x is equal to 6 आ गया। सो अगर ये नंबर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तो 6 × 10, इसके हिसाब से चलोगे, 10 प्लस 63 इज द नंबर, ठीक है, सो आंसर देख लो, ऑप्शन है 63 वही होगा, अगर नहीं है तो नन ऑफ दीज, हाँ 63 है तो ये होगा 63। अगर अगर आपको अभी भी अगर फील होता है ना कि क्वेश्चन में
कहीं भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं है सही, गलत आंसर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो सीधे आप क्या करो कि जो भी आंसर आया है इसका जो भी कंडीशन है उसको चेक कर लो, ठीक है। इस टर्म पे 63 ये नंबर डाल लो, एक्स की जगह 66 ये नंबर लिखो, यहाँ पे 10x की जगह 6 ये लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, सब कुछ सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, अगर ऐसा आता है तो आंसर सही है, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को, तो वो कर लो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, कहीं भी किसी स्टेप पे डाउट हो रहा है तो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तो जरा द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। ये आसान है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर जो है वो 15 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, तो सम ऑफ डिजिट्स जब बोल देना तो समझ लो x और y अलग अलग बात कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो डिजिट की बात कर रहा है, 7 और 6, 3 और 6 जो डिजिट था वो आपस में आप ऐड कर रहे हैं, तो जब आपस में डिजिट को ऐड कर रहे हो तो कभी भी नंबर क्या होता था हमारे पास, ये वाला एक्स वाई, तो यहाँ ये दे रहा है जब डिजिट की बात कर रहा है मतलब x प्लस वाई की बात कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 की बात कर रहा है, डिफरेंस जो दे रहा है डिफरेंस ऑफ डिजिट ही बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट बोल दे तो x माइनस वाई हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यस मैम, तो दिस इज 18, तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन कर रहे थे तो ऐड करेंगे तो माइनस वाला ये हो जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू 9 आ गया, अब x का वैल्यू 9 आ गया तो वैल्यू पुट करके देख लो, 9 6 होगा मैम, 9 और 6 6, 9 6 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, तो सिंपली 9 6 हो गया तो 9 का वैल्यू 96 इज द आंसर, हो गया खत्म, यस मैम, बस इतना ही है, ठीक है, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा यहाँ पे ठीक है।